जय भोलेनाथ जी की। नमस्कार दोस्तों, बाबा बर्फानी के भक्तों को इस साल भी अमरनाथ यात्रा की तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। सोशल मीडिया पर 27 जून से यात्रा शुरू होने की अफवाह फैल रही है, जो बिल्कुल झूठी है। सच तो यह है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी तक 2022 की यात्रा को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर हर साल जनवरी के अंत तक अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो जाता है, मगर पिछले दो साल से यात्रा पर कोविड का असर देखा जा रहा है। इस साल जनवरी के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। भक्तों, इस बार भी यात्रा जरूर होगी, बस उसकी घोषणा में देरी हो रही है। इसका एक कारण तो यह भी है कि कश्मीर में इस बार बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। फरवरी के अंत तक बर्फ गिरी है। इस बर्फ को हटाने में महीनों लगते हैं और इसी आधार पर यात्रा की तैयारियां होती है। वैसे बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। पहलगांव और बालटाल दोनों ही मार्गों पर जेसीबी और दूसरे संसाधन लगाकर तेजी से रास्ते बनाए जा रहे हैं। खुशी की बात यह भी है कि ज़्यादा बर्फबारी से शिवलिंग भी विशाल बनता है और ज़्यादा दिनों तक कायम रहता है। इससे यात्रा के अंतिम दिनों में दर्शन करने वालों को भी बाबा बर्फानी के अच्छे से दर्शन होते हैं। उम्मीद है इस साल भी विशाल शिवलिंग बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बाबा बर्फानी के अद्भुत दर्शन कर सकेंगे। साथ ही भक्तों को रास्ते में बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, इससे उनकी यात्रा पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा यादगार और बेहद रोमांचकारी होगी। दोस्तों, माना जा रहा है कि फरवरी के अंतिम दिनों में या फिर मार्च की शुरुआत में श्राइन बोर्ड यात्रा का शेड्यूल जारी कर देगा। इसके साथ ही मेडिकल रजिस्ट्रेशन आदि का काम भी शुरू हो जाएगा। इस साल यात्रा पर कोविड का कोई साया नहीं रहेगा। देश भर में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। धीरे धीरे सभी राज्यों से नाइट कर्फ्यू हटाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ यात्रा भी बड़े पैमाने पर होगी। उसी के मुताबिक आप अपनी आगे की तैयारी रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरे भक्तों में शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय बाबा जी की।